Hello everyone, welcome to educationfreak.com. Today I am presenting 25 important questions for Haryana upcoming examinations. ये questions आपके upcoming interviews, exams में help करेंगे. ये part 2 है video का. So let's start with the video. First question is, at which of the following place was the famous battle of Panipat fought? So its answer is, it was fought at Panipat. And the three battles were fought at Panipat. Teen battles hui thi Panipat mein. First battle of Panipat was fought in 1526. Jo first battle thi Panipat ki wo 1526 mein hui thi. Second battle of Panipat was fought in 1556. Jo ki 30 years ke baad hui thi. 30 saal ke baad jo second battle of Panipat hui thi wo 1556 mein hui thi. And the third battle of Panipat was fought after 205 years. जो कि 205 साल के बाद हुई थी 1761 में. So next question is, in 1526 the famous battle between Babur and Ibrahim Lodi was fought at, वो भी उसका आंसर भी पानीपत है. बट अभी आपको ये बता देती हूँ कि तीनों जो बैटल्स हैं वो किस किस के बीच में हुई थी, ताकि आपको सारा जो बैटल्स जो फेमस बैटल्स ऑफ पानीपत हैं वो याद रहें. जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है जो कि मैंने बताया 1526 में हुई थी, वो बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था. एंड द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो 1556 में हुई थी अकबर एंड हेमू के बीच में, वो हुई, उसमें भी अकबर ने हेमू को हरा दिया था. एंड द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फोर्ट बिटवीन अहमद शाह अब्दाली एंड मराठा रूलर्स, जिसमें कि अहमद शाह अब्दाली ही विजय हुए थे और अहमद शाह अब्दाली ने मराठा रूलर्स को हरा दिया था. इसमें एक स्टोरी ये भी है कि जो अकबर था उस टाइम, ये इफ बैटल हुई क्यों, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत ये इसलिए हुई क्योंकि अकबर जो था वो उस टाइम 13 to 14 ईयर्स ऑफ एज था जब वो थ्रोन पे आया. हेमू जो था उस टाइम अकबर डायनेस्टी का हेड था, सो उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और अटैक कर दिया अकबर की डायनेस्टी को. बट अकबर ने रिटेलिएट किया सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में और उसने उसको डिफीट कर दिया. सो बट आफ्टर 205 ईयर्स क्या हुआ, जिस टाइम पे मुगल डायनेस्टी जो है वो वीक होती जा रही थी और मराठा रूलर्स उस टाइम पावरफुल थे. सो मुगल्स ने क्या, जब मराठा रूलर्स ऑक्यूपाई करना चाहते थे ऊपर का एरिया भी, नॉर्दर्न पार्ट भी इंडिया का, तो मुगल्स ने हेल्प ही अहमद शाह दुरानी की, जिसे हम अहमद शाह अब्दाली भी बोलते हैं, जो कि किंग थे अफगानिस्तान के, ताकि वो मराठा रूलर्स को हरा सकें. और उन्होंने उनको हरा भी दिया मराठा रूलर्स को. तो जो लीडर उस टाइम जो लीडर थे मराठा रूलर्स के वो थे सदाशिव राव. इससे क्या हुआ, मुगल्स भी वीक हो गए और मराठास भी वीक हो गए, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली तो अफगानिस्तान के थे, वो यहाँ पर अपना शासक करके जो भी उन्होंने करना था वो करके चले गए, लूट वगैरह करके सब चले गए. दैट्स वाई जो ब्रिटिशर्स थे उसके बाद एंटर किया इंडिया में और उन्होंने अपना जो स्टार्ट किया इंडिया को रूल करना. ये थी बैटल ऑफ पानीपत की जो पूरी स्टोरी है. सो इससे रिलेटेड आप हर क्वेश्चन अब आंसर कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट बिगिन द नेक्स्ट क्वेश्चन. When was the famous second battle of Panipat fought? ये मैंने भी बताया कि 1556 में हुई थी. First one हुई थी 1526 में and the second battle of Panipat was fought in 1556. So next question is, the third battle of Panipat was fought between, किसके बीच में हुई थी, वो अहमद शाह अब्दाली and मराठा rulers के बीच में हुई थी. Answer is A. And Ahmad Shah Abdali defeated Maratha rulers in the third battle of Panipat. So next question is, at which place of Haryana did Lord Krishna preach the message of Gita? Lord Krishna ne Gita ka message kahan par preach kiya tha, wo tha Kurukshetra mein. Answer is D. Next question is, in 1947 when India was declared independent, which of the following state was Haryana a part? उस टाइम हरियाणा किसका पार्ट था, हरियाणा जो था वो पंजाब का पार्ट था. सो इट्स आंसर इज सी. ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज द स्टेट ऑफ हरियाणा फॉर्म, ये स्टेट ऑफ हरियाणा कब बना, जब हमारा डिवीजन हुआ पंजाब से, वो था 1 नवंबर 1966. 1 नवंबर को हम हरियाणा डे के उससे भी मनाते हैं. और जो हमारा जो स्प्लिट हुआ था वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे हुआ था
एंड वी शेयर द सेम कैपिटल सिटी ऑल्सो. जो हमारी कैपिटल है वो चंडीगढ़ है. पंजाब एंड हरियाणा की सेम कैपिटल है वो है चंडीगढ़. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद हाउ मेनी स्टेट्स डज द बाउंड्री ऑफ हरियाणा टच. हरियाणा की जो बाउंड्री है वो कितनी स्टेट्स के साथ टच होती है, वो होती है 5 स्टेट्स के साथ. जो कौन कौन सी हैं ये आप याद कर लीजिए, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, यूपी एंड दिल्ली. ठीक है, दिल्ली जो कि एक यूनियन टेरिटरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज टचेज द बाउंड्री ऑफ हरियाणा. यूनियन टेरिटरी कौन सी है जो टच करती है बाउंड्री हरियाणा की. अभी मैंने बताया कि जो वो है दिल्ली. ये क्या है, दिल्ली इज लैंडलॉक्ड ऑन 3 साइड्स बाय हरियाणा. 3 साइड से हरियाणा से कवर्ड है दिल्ली. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ हरियाणा. हरियाणा का जो टोटल एरिया है वो है 44,212 किलोमीटर स्क्वायर. दैट इज ए ऑप्शन. आप ये भी याद रख सकते हैं कि ये 24 हमारी जो स्टेट है हरियाणा वो 21st है इन टर्म्स ऑफ एरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन हरियाणा. कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं हरियाणा में. 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं. अभी तक 21 थे, चरखी दादरी के ऐड होने से 22 हो गए हैं. चरखी दादरी जो है वो ऐड हुआ है 18 सितंबर 2016 को. और हरियाणा के बारे में ये जान सकते हैं आगे कि हरियाणा जो है 4 डिविजन्स में डिवाइडेड है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए. जो कि 4 डिविजन्स कौन कौन सी हैं, अम्बाला, हिसार, गुरुग्राम एंड रोहतक. इनके साथ अगर आप याद करना चाहें तो ये तो ये है कि 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसके बाद 47 सब डिविजन्स हैं, 67 तहसील्स, 45 सब तहसील्स, 116 ब्लॉक्स, 6759 विलेजेस एंड 81 सिटीज. ये डाटा अक्सर क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में, सो आप याद कर लीजिए. 4 डिविजन्स हैं, अम्बाला, हिसार, गुरुग्राम एंड रोहतक. 22 डिस्ट्रिक्ट्स, 47 सब डिविजन्स, 45 तहसील्स, 67 तहसील्स हैं, 45 सब तहसील्स, 116 ब्लॉक्स हैं, 6759 विलेजेस हैं, 81 सिटीज़ हैं. ये अपडेटेड डाटा है जो मैं आपको बता रही हूँ. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर टेकिंग इज एज पर सेंसस ऑफ 2011 द टोटल पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा इज. जो 2011 का जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग टोटल पॉपुलेशन क्या है हरियाणा की, वो है 2,53,53,081 पर्सन. दैट इज ऑप्शन नंबर बी. और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम अपना रैंक देखें ऑल ओवर इंडिया इज 18th. पॉपुलेशन रैंक जो है हमारा हरियाणा का वो है 18th नंबर पे. सेक्स रेशियो एज पर 2011 सेंसस वो है 877. डेंसिटी अगर हम देखें पॉपुलेशन की, जो डेंसिटी है वो है हमारी 573 पर किलोमीटर स्क्वायर. एंड डेंसिटी का भी रैंक होता है, डेंसिटी रैंक है 11. डेंसिटी जो है वो है 573 पर किलोमीटर स्क्वायर. डेंसिटी रैंक जो है वो है 11. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाँ व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन इन हरियाणा. कंट्रीज जो कंट्री की पॉपुलेशन है उसका कितना मतलब हरियाणा की जो पॉपुलेशन है वो कंट्री की कितना परसेंटेज है, वो है 2.09%. सो इट्स आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा इज द HMT फैक्ट्री सिचुएटेड. HMT फैक्ट्री कहाँ पर सिचुएटेड है, अम्बाला में. ये मैन्युफैक्चर क्या करते हैं, ट्रैक्टर्स. इसने अपना जो ऑपरेशन जब स्टार्ट किया था हरियाणा के अंदर वो 25 HP ट्रैक्टर्स को मैन्युफैक्चर करके इसने हरियाणा में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट की थी. इसकी 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं. ठीक है, वन इज इन हरियाणा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द एटलस इंडस्ट्री इन हरियाणा सिचुएटेड. एटलस इंडस्ट्री हरियाणा में कहाँ पर सिचुएटेड है, वो है सोनीपत में. सो आंसर इज सोनीपत. एटलस किसकी इंडस्ट्री है, एटलस साइकिल्स आपने देखी होंगी वो है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिचुएटेड इन गुरुग्राम ऑफ हरियाणा. इसमें से कौन सा गुरुग्राम में सिचुएटेड है, वो है मारुति कार्स का शोरूम. सबको पता है कि मारुति कार्स जो है गुरुग्राम में होती है मैन्युफैक्चर. सो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मारुति कार्स जो है हमारा आंसर होगा इसका.
Option number B. Next question is, in which district of Haryana is Rajdoot motorcycle manufactured? Rajdoot motorcycle kahan par manufacture ki jati hai? Faridabad. So answer is D. Next question is, ordinance regarding the prohibition of alcohol was passed on 1st July 1996. Later on, it was withdrawn on which date? So, जो एक ordinance pass किया गया था alcohol की prohibition के ऊपर 1st July 1996 को, but वो withdraw कर लिया गया था. कब किया था वो withdraw? Option number A, 1st April 1998 को. इसके रिगार्डिंग मैं ये बता सकती हूँ, जब 1996 में बंसीलाल गवर्नमेंट आई थी, बंसीलाल ने अपना कमबैक किया था आफ्टर 9 इयर्स. तो उस जब वो न्यू सीएम बने हरियाणा के, उन्होंने जैसे कि प्रॉमिस किया था पहले कि वेन एवर आई विल कम इन पार, तो मैं ऐसा करूँगा कि प्रोहिबिट कर दूंगा, जो मीन्स बैन कर दूंगा लिकर को. सो एज प्रोमिस्ड, बंसीलाल ने फर्स्ट डिसीजन लिया टू बैन लिकर. कब से लिया? 1st जुलाई 1996 से. बट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस, बिकॉज ऑपोजिशन भी इसके खिलाफ थी, बाकी लोग भी इसके खिलाफ थे, ताकि उनकी गवर्नमेंट नीचे ना आ जाए, तो इस ये सारे पॉलिटिकल रीजंस की वजह से उनको ये अपलिफ्ट करना पड़ा था बैन, जिसके रिगार्डिंग ऑर्डिनेंस पास किया गया था 1st अप्रैल 1998 को. So next question is, in which of the following years was each village of Haryana electrified? कौन से ईयर्स में जो हर विलेज है हमारा हरियाणा का वो इलेक्ट्रीफाइड हो गया था, मीन्स हर विलेज में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई थी. वो था 1970 में, जो है हर विलेज जो था हरियाणा का वो इलेक्ट्रीफाइड हो गया था. इट्स अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. 1966 में हम हरियाणा एक सेपरेट स्टेट बनी थी आउट ऑफ पंजाब ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, एंड आफ्टर 4 इयर्स ओनली जो है हरियाणा का हर एक विलेज जो है वो इलेक्ट्रीफाइड हो गया था. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसेस, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लिटरेसी इन हरियाणा? 2001 के सेंसेस के अकॉर्डिंग कितनी लिटरेसी की परसेंटेज है हरियाणा में? वो है 67.91%. दैट इज ऑप्शन नंबर डी, जो है हमारी लिटरेसी रेट है हरियाणा का. नेक्स्ट वन इज, वेयर हैज द नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इन हरियाणा बीन एस्टैब्लिश्ड? जो NDRI है, ये फेमस है, ये हमें सबको पता है कि ये करनाल में है. बेसिकली ये क्या है, ओनली इंस्टीट्यूट है एशिया का टू इम्पार्ट एजुकेशन इन डेयरी रिसर्च. ये क्या करता है, इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला था 1989 में, बट ये एस्टैब्लिश हुआ था 1923 में, और हरियाणा में करनाल में ये एस्टैब्लिश किया गया था 1955 में. उसके बाद 1989 में ही इसको एक यूनिवर्सिटी का टैग मिल गया था, और ये एजुकेशन देता इम्पार्ट करता है इन डेयरी रिसर्च. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरेटरी इज द कैपिटल ऑफ हरियाणा? ये अभी बताया था मैंने अभी कि यूनियन टेरेटरी जो है हरियाणा की, वो है चंडीगढ़, जो कि शेयर कौन करता है, पंजाब BC को शेयर करता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर टेकिंग इज, विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांसेस बिलोंग टू हरियाणा? कौन सा फोक डांस है जो हरियाणा को बिलोंग करता है? इसमें चार दिए गए हैं, बाउल, यक्षगना, फाग एंड बिहू. सो हमारा जो ऑप्शन है, आंसर नंबर इज सी, फाग डांस जो है वो हरियाणा को बिलोंग करता है. बाकी और मैं फोक डांसेस बता सकती हूँ आपको हरियाणा के, वो है रासलीला, लूर, धमाल, गुग्गा, झूमर, खोरिया. जिसमें से इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं वो हैं, एक तो ये फाग है, नेक्स्ट वन इज धमाल, थर्ड वन इज गुग्गा, फोर्थ वन इज झूमर, एंड फिफ्थ वन इज खोरिया. दीज फाइव आर वेरी इंपॉर्टेंट. अदर वंस आर रासलीला एंड लूर आर ऑल्सो फोक डांसेज ऑफ हरियाणा. सो अभी अगर आपको ये जानना चाहते हैं कि ये बाउल किसका है, बाउल है वेस्ट बंगाल का, यक्षगना इज ऑफ कर्नाटका, बिहू तो सबको पता है कि असम का है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्लेयर्स बिलोंग्स टू हरियाणा? इसमें से कौन सा इंडियन प्लेयर है जो कि हरियाणा से बिलोंग करता है? वो है कपिल देव. सो आंसर इज बी. एंड एज वी नो, सुनील गावस्कर बिलोंग्स टू महाराष्ट्र, सचिन तेंदुलकर ऑल्सो बिलोंग्स टू महाराष्ट्र, एंड अजरुद्दीन बिलोंग्स टू तेलंगाना.
जब उनका बर्थ हुआ था हजरुद्दीन का, वो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे, बट अब उनका पार्टीशन हो चुका है तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश का, तो नाउ ही बिलोंग्स टू तेलंगाना ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्बन वोन बाय मेल्स इन हरियाणा इज नोन एज. जो टर्बन जो मेल्स पहनते हैं हरियाणा में, उसे हम बोलते हैं खंडवा. ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो. होप यू लाइक द वीडियो. इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.